एक शाय लड़की जो किसी से बात करते टाइम हिचकिचाती थी, इनफैक्ट उन्हें दूसरों से बात करने में ही बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। उन्हें कैसे मिला स्टार प्लस के शो उड़ने की आशा में सायली का लीड रोल, कौन है सायली, क्या है इनका रियल नेम और आखिर उन्हें इस इंडस्ट्री तक पहुँचने में कितना वक्त लगा। तो हेलो माई फैमिलीज, मैं हूँ आयशा और वेलकम है आपका स्टोरी विद आयशा में। सायली जिन्हें आप सीरियल उड़ने की आशा में कवर ढीलों के ऑपोजिट देख रहे हैं, उनका रियल नेम नेहा हरसोरा है और वो मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। नेहा की फैमिली में फादर गिरीश हरसोरा और मदर मयूरी हरसोरा के अलावा उनके सिस्टर ईशा हरसोरा भी है। नेहा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से कंप्लीट की और फिर ग्रेजुएशन मीठीबाई कॉलेज से करने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आगे की स्टडीज कंप्लीट करी। नेहा कहती है कि वो बचपन से ही बहुत शाय और कैमरा कॉन्शियस हुआ करती थी, बट एक्टिंग इंडस्ट्री में जाने का ख्वाब कहीं ना कहीं उनके मन में भी जरूर था और स्कूल डेज से ही उन्होंने ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया था। नेहा के फादर उनके सपोर्ट सिस्टम थे, वो नेहा को हमेशा ऑडिशन देने के लिए ले जाया करते थे, पर उस वक्त नेहा की परफॉर्मेंस इतनी खराब होती थी कि उन्हें आज भी अपने पुराने ऑडिशन देखकर रोना आता है। एक शाय लड़की से एक फॉरवर्ड लड़की बनने तक में उन्हें बहुत वक्त लगा। इसी बीच वो एक्टिंग को लेकर कब सीरियस हो गई ये उन्हें भी पता नहीं चला। नेहा ने अपना पहला डेब्यू साल 2020 में अग्निवायु शो से करा, जिसमें उन्होंने अग्नि की छोटी बहन अनन्या का रोल प्ले किया था, पर अनफॉर्चुनेटली कोविड हो जाने की वजह से उन्होंने कुछ महीनों का ब्रेक ले लिया और वापस से कलर्स टीवी के शो थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी में अनुष्का मुखर्जी का कैरेक्टर प्ले किया। इस रोल के बाद उन्हें वेब सीरीज स्कूल से फैंटेसी, टीवी शो ध्रुव तारा, Z5 की वेब सीरीज स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक और उसके बाद साल 2022 में उमंग टीवी के शो राजमहल में सुनैना के रोल जैसे कई सारे इंटरेस्टिंग रोल्स प्ले करने का चांस मिला, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिली। नेहा कहती है कि उन्होंने बहुत सारे शोज में पैरेलल लीड प्ले किया था, बट अब उन्हें सिर्फ लीड रोल प्ले करना था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लीड के लिए ऑडिशन दिए, जिसमें फाइनली उन्हें स्टार प्लस के शो उड़ने की आशा में सायली के लिए कास्ट किया गया। हालांकि ये एक मराठी बैकग्राउंड का शो है जिसमें नेहा को अप्रोच किया गया है और वो बताती है कि उन्हें शो में बहुत मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि उन्हें मराठी बिल्कुल भी नहीं आती है और अभी भी वो मराठी सीख ही रही है। इनफैक्ट उन्हें ये भी कहा गया था कि आपको टू व्हीलर चलाना आना चाहिए, जो कि उन्हें आता नहीं था और इसकी भी उन्होंने क्लास ली है। नेहा ने शो को करने में अपना 100% एफर्ट दिया है, उन्हें जो भी नहीं आता था उस चीज को सीखने में उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है और उनका मानना है कि सीखते सीखते ही हर इंसान बेहतर बनता है। वैसे आपको ये शो कैसा लगता है और इसमें नेहा की एक्टिंग आपको कितनी पसंद है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वेल, तो ये थी नेहा हरसोरा की एक प्यारी सी लाइफ जर्नी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले और हमारे साथ हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने।